गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे 27 मई 2020, दिस इज़ फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़, लेसन 5 कंटिन्यू। खेती के प्रकार, गहन खेती, व्यापक खेती, वाणिज्यिक खेती और बागान खेती, ये चार आज हम पढ़ेंगे। आपको दोबारा से पढ़ना है, वीडियो की हेल्प से इसको समझना है। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। पहला देखिए, गहन खेती। गहन का मतलब होता है देखो बहुत ज़्यादा। गहन क्या होता है? बहुत अधिक मात्रा में। तो जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है, भूमि पर जनसंख्या का दबाव होता है, वहाँ पर ही खेती की जाती है उस जनसंख्या का पेट भरने के लिए। तो इस तरह खेती को भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में किया जाता है। जहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है तो पैदावार भी ज़्यादा की जाती है। ज़्यादा पैदावार करने के लिए क्या किया जाता है? श्रमिकों की सहायता ली जाती है, सिंचाई की जाती है, रसायनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जितनी मात्रा में रसायनों का उपयोग किया जाएगा, रसायनों का उपयोग कुछ लिया जाता है उत्पादन बढ़ाने के लिए। ये बहुफसल आम है और फसलों की किस्मों को अधिक उपज मुख्य रूप से व्यावसायिक प्रयोजन। व्यावसायिक प्रयोजन मतलब कि बेचने के लिए, एक तरह से व्यवसाय के लिए किया जाता है फसलों का उत्पादन। गेहूं, चावल, गन्ना महत्वपूर्ण फसलें हैं, खाद्य फसलें भी हैं और व्यावसायिक फसलें भी हैं कि खाने के बाद इनको बेचा भी जाता है, खाने के बाद का जितना चाहे उतना रखने के बाद। भारतीय उपमहाद्वीप में, चीन, जापान और कोरिया में गहन खेती प्रचलित है। दूसरा आता है व्यापक खेती। व्यापक खेती में क्या होता है कि क्षेत्रफल तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन पैदावार कम होती है। पर पैदावार कम होने से फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि खेती का जो क्षेत्रफल होता है बहुत अधिक होता है, बहुत ज़्यादा क्षेत्र में ये खेती की जाती है। इस प्रकार की कृषि बहुत बड़े खेतों में की जाती है, जहाँ पर आकार हज़ारों एकड़ तक है। अब क्या कहा जाता है, ज़्यादा बड़े खेत होंगे तो वहाँ पर वैज्ञानिक और मशीनरी की सहायता ली जाती है। वैज्ञानिक तकनीकी और मशीनों की सहायता से फसलों का उत्पादन किया जाता है। प्रति एकड़ पैदावार कम होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि उत्पादन क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, कुल जगह जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर खेती गेहूँ की जाती है, जैसे कि संयुक्त अरब प्रेरी है, गेहूँ के मैदान एक तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रेरी। और इसके साथ साथ यहाँ मवेशी पालन एक मुख्य व्यवसाय, कृषि के साथ दूसरा काम किया जाता है, मुख्य गतिविधि मवेशी पालन। वाणिज्यिक कृषि है और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना में की जाती है वाणिज्यिक खेती। इस प्रकार की खेती में उच्च उत्पादन किया जाता है। उच्च उत्पादन करने के लिए उच्च तकनीकी का उपयोग किया जाता है, जैसे HYV किस्म के बीज जो कि अधिक उत्पादकता देते हैं, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाइयाँ आदि का इस्तेमाल किया जाता है। कृषि के व्यवसायीकरण की मात्रा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक भिन्न होती है। कृषि का व्यवसायीकरण मतलब देखो, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो एक जगह तो लोगों के खाने के लिए प्रयोग में ली जाती है और दूसरी जगह उसको बेचा जाता है, यह होता है कृषि का व्यवसायीकरण। तो उदाहरण के लिए चावल है, चावल पंजाब और हरियाणा में वाणिज्यिक फसल है कि बेचने के लिए उगाई जाती है, जबकि उड़ीसा में एक निर्वाह की फसल है, खाने के लिए उगाया जाता है। बागान खेती, बागान खेती भी प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इसमें एक बड़े क्षेत्र पर एकल फसल उगाई जाती है, सिर्फ एक ही फसल। बागान में उद्योग और कृषि के सम्मिश्रण है, मतलब ऐसी फसलें उगाई जाती है जो कि उद्योगों के लिए कच्चा माल पैदा करती हैं। बागान खेती को भूमि के एक बड़े हिस्से पर किया जाता है, जहाँ पलायन करने वाले श्रमिकों की सहायता से पूंजीगत आदान का उपयोग किया जाता है। मतलब वे श्रमिक जो अपनी जगह छोड़कर काम के लिए दूसरी जगह पर जाते हैं, उनकी सहायता से खेती की जाती है। सभी बागान खेती में जो फसलें पैदा की जाती हैं उनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। उत्पादन मुख्य रूप से बाजार के लिए किया जाता है यहाँ पर, क्यों? क्योंकि जो उद्योग हैं उनसे जो सामान बनेगा वो बाजारों में बेचा जाएगा, इसलिए बागान के क्षेत्रों, प्रसंस्करण उद्योगों और बाजार से जुड़े संचार और परिवहन एक क्षेत्र विकसित जाल तंत्र वृक्षारोपण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सभी दूर से जुड़े हुए कृषि उद्योग के लिए कच्चा माल देती है और उद्योग खेती के लिए जरूरी सामान उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ से परिवहन, संचार, सभी को व्यवसाय मिलता है। मलेशिया में रबड़, भारत में चाय, ब्राज़ील में कॉफ़ी, ये बागान खेती के उदाहरण। तो मलेशिया में रबड़, भारत में चाय, ब्राज़ील में कॉफ़ी। थैंक यू स्टूडेंट्स।